हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस के लीव पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ लीव टीसीएस प्रोवाइड टू हिज एम्प्लॉय, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, टीसीएस हमें टोटल 7 टाइप्स ऑफ लीव प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आती है कैजुअल लीव। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि ये लीव क्या होती है। कैजुअल लीव वो होती है जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, यानी कि अगर आपके घर में फंक्शन है या आपका बर्थडे पार्टी है तो आप उसे ले सकते हो। सिक लीव, यानी कि जब आप बीमार पड़ते हो तो आप इस सिक लीव को अप्लाई कर सकते हो। अर्न लीव, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, आप अपने मर्जी के हिसाब से ले सकते हो। मैटरनिटी लीव, जो कि फीमेल्स के लिए होता है, वो मैटरनिटी लीव अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो प्रेगनेंट है और उन्हें बेबी होने वाला है तो वो मैटरनिटी लीव अप्लाई कर सकते हैं। अडॉप्शन लीव, यानी कि वो लीव जो अगर आप किसी बेबी को अडॉप्ट करते हैं या सरोगेसी के थ्रू अडॉप्ट करते हैं तो वो अडॉप्शन लीव आपको मिलती है। और LWP की बात करूँ, LWP की, तो लीव विदाउट पे, यानी कि उस तरह की लीव जिसमें आपको उस डे का लीव का पेमेंट नहीं मिलेगा। और लास्ट में आता है हॉलीडेज एंड फ्लेक्सी हॉलीडेज, यानी कि वो लीव जो हमें फेस्टिवल्स के लिए दी जाती है। तो चलिए मैं आपको हर एक लीव के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आती है कैजुअल लीव फ्रेंड्स। तो कैजुअल लीव आपको टोटल 7 वर्किंग डेज एक साल में मिलेगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैजुअल लीव क्या होती है। तो एक साल में आपको 7 वर्किंग डेज ऑफ कैजुअल लीव मिलेगी। अनयूज लीव लैप्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पे अगर आप ये 7 लीव को यूज नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाएगी, यानी कि टोटली वेस्ट। फॉर द न्यू जॉइनर्स इट विल बी क्रेडिटेड ऑन द प्रोरेटा बेसिस, यानी कि अगर आप मिड ऑफ द ईयर ज्वाइन करते हो तो आपको 7 लीव नहीं मिलेगी बल्कि प्रोडेटा बेसिस पे मिलेगी, यानी कि 3-4 एज पर योर एलिजिबिलिटी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लीव की ओर, जो कि है सिक लीव। तो गाइस, सिक लीव आपको टोटल 10 वर्किंग डेज एक साल में मिलेगी, यानी कि आप 10 वर्किंग डेज ऑफ सिक लीव अप्लाई कर सकते हैं। तो सिक लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है आपको 44 डेज, यानी कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं सिक लीव और वो 44 डेज तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लीव इन एक्सेस ऑफ 44 डेज लैप्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर आपके पास 44 डेज से ज़्यादा लीव है तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो एक्स्ट्रा लीव होगी, एक्सेस ऑफ 44 डेज जो भी लीव होगी वो लैप्स हो जाएगी फ्रेंड्स। फॉर द न्यू जॉइनर्स अगेन मैं बता देता हूँ, सिक लीव भी आपको प्रोडेटा बेसिस पे मिलेगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लीव की ओर, जो कि है अर्न लीव। अगर मैं अर्न लीव की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको 16 वर्किंग डेज जो कि अर्न लीव मिलेगी एक साल में। ये भी सेम कैरी फॉरवर्ड होती है आपको 48 डेज, यानी कि आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो और आप इसे 48 डेज तक जमा कर सकते हो। लीव इन एक्सेस ऑफ 48 डेज, यानी कि मान लीजिए आप टीसीएस में 4-5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी लीव जमा हो जाएंगी। तो 48 डेज से ज़्यादा जितनी भी लीव आपकी फाइनेंशियल ईयर के एंड में होगी वो सारी आपके लास्ट पेरोल साइकिल में एनकैश हो जाएगी और आपको आपके सैलरी में कन्वर्ट करके मिल जाएगी। और ये जो अर्न लीव होती है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे क्रेडिट होती है, यानी कि 4 क्वार्टर में आपको एवरी क्वार्टर 4 लीव्स क्रेडिट होती है गाइस। अगर मैं मैटरनिटी लीव एंड अडॉप्शन लीव की बात करूँ तो 26 वीक्स ऑफ पेड लीव फॉर द ह्यूमन, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए वो 26 वीक्स ऑफ पेड लीव ले सकते हैं फॉर द एज अ मैटरनिटी। और अगर मैं अडॉप्शन लीव की बात करूँ तो 26 वीक्स ऑफ पेड लीव, अगेन आपको 26 वीक्स का पेड लीव मिलता है ओनली इन केस आपकी जो एडॉप्शन है वो लीगल होना चाहिए और सैरोगेसी के थ्रू होगा तो भी चलेगा, बट इट शुड बी लीगल ऑन पेपर। आवर नेक्स्ट लीव इज लीव विदाउट पे, दैट इज LWP, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपको इसे ध्यान से समझना है। तो कि ये लीव उन लोगों के लिए है, ये टोटल 730 कैलेंडर डेज फॉर द एजुकेशन पर्पज, यानी मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हो या पढ़ाई करने के लिए आपको लीव चाहिए कंपनी को छोड़े बिना, तो आप 730 डेज ऑफ कैलेंडर डेज, यानी कि लगभग 2 साल आप लीव विदाउट पे, यानी बिना सैलरी के TCS के एम्प्लॉय रहते हुए आप लीव ले सकते हो। इसमें आपको आपका अप्रेजल भी होगा, सब कुछ दिया जाएगा, बस आप लीव रहोगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बस दैट्स इट। 365 डेज ऑफ कैलेंडर लीव, यानी कि एक साल का आप कैलेंडर लीव ले सकते हो, दैट इज विदाउट पे, जिसकी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, इमीडिएट मेजर इलनेस ऑफ द एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उनका टेक केयर करने के लिए आप एक साल का लीव ले सकते हो। चाइल्ड केयर, अगर आपके बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर, उनकी चाइल्ड केयरिंग के लिए 545 डेज की लीव आप ले सकते हो इन केस ऑफ 2 चिल्ड्रेंस। और
In case of one children, it means 365 days. Applicable if you have completed 2 years. तो ये main यहाँ पे एक applicable policy है. ये leave तभी applicable होगी जब आप TCS में दो साल से ज़्यादा complete कर चुके होंगे, तो आप ये leave को apply कर सकते हो. Last but not the least, holiday and flexi leaves. तो holidays and flexi leaves की बात करूँ तो TCS आपको 8 leaves per calendar year देता है, यानी कि 8 leaves आप holidays पे ले सकते हो. इसकी list आपको Hurtimatics portal पे मिल जाएगी. और अगर मैं फ्लेक्सी लीव की बात करूँ तो आपको 2 लीव पर ईयर मिलती है, जो कि आप अकॉर्डिंग टू योर फेस्टिवल, अकॉर्डिंग टू योर विश ले सकते हो किसी भी फेस्टिवल पे. अगेन कैंडिडेट हुए ज्वाइन ऑन और आफ्टर 1st of July, यानी कि जो भी 1st जुलाई के बाद ज्वाइन होता है द कैलेंडर ईयर विल बी एबल टू अवेल द फ्लेक्सी लीव. यानी कि जो भी 1st जुलाई के बाद ज्वाइन होगा उसे ये फ्लेक्सी लीव नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्रेडिट होगा. तो गाइस ये मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी है TCS के लीव पॉलिसी के बारे में. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू. मिलते हैं अपने अगले